पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने भी करार में 15 से 20% इजाफा कर दिया। मुल्तान से चकवाल, कोट मिठन और रावलपिंडी सो कराची का किराया 200 और बढ़ा दिया गया है, जिस पर शहरी परेशान है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। मुश्किलात इस तरह की, आप घर का गुजारा करना लोगों का मुश्किल हो गया। जो गरीब आदमी था, जो 700 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी कमाता था, अब उसके लिए अपनी रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया उस शख्स के लिए। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। हमने आपको मसीहा बनाया था, आप पे एतमाद किया था, लेकिन आपने तबाह बर्बाद कर दिया। महंगाई से सताए आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पेट्रोल, आटा, घी, चीनी सब महंगा। अखराजात आमदन से ज्यादा होने पर शहरी शिफा गुना, रहीम यार खान के शहरी तब्दीली को कोसते रहे। डीजी खान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से कीमतों पर नजर आने का मुतालबा, 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बिल जो है वो लोगों की कैपेसिटी से ज्यादा है। मैं एज अ सोशल वर्कर भी मैं ऐसे ऐसे घरों की आपको निशानदही कर सकता हूं कि लोग भूख की वजह से खुदकुशी करने पे तैयार हैं। पेट्रोल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, उसने काम पे जाना है, उसकी सैलरी 15,000 है, वो पेट्रोल डलवाए, अपने घर का खर्चा चलाए, उसका घर रेंट का है, वो क्या क्या चीज़ पूरी करेगा। पार्टी सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां और मार्च का ऐलान। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर मशावरत। अपोजिशन जमातों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। अली की रहनुमा इकबाल सराज का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ ना निकले तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कौन दे दी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान गुलशन माके चौधरी सलीम कंबो के बोले, हुकूमत ने ताजरों की कमर तोड़ दी। अब तक 70 रुपये फी लीटर तक पेट्रोल महंगा हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। जमात इस्लामी का मुल्तान देराडा चौक पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुताबिक। जमात इस्लामी के रहनुमा सराज हुसैन ने कहा कि हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। दही मरकज़े सेहत फासलपुर में आवे का आवा ही बिगड़ गया। अमला कायद मरकज़े सेहत आवारा कुत्तों की आमाज का बन गया। रोहित की खबर पर महकमे का नोटिस। पाकिस्तान में कोरोना की शरह सिर्फ 1.5% रह गई। 13 केसेस रिपोर्ट, सरगुजा 10 और मियांवाली में 4 केसेस सामने आए। तेजू खान लैया मुजफ्फरगढ़ में 3-3 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव। डेंगू के बहावलपुरियों पर वार तेज। 24 घंटों के दौरान 13 नए केसेस रिपोर्ट। जेरा इलाज मरीजों की तादाद 16 हो गई। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर मुल्तान ट्रैफिक पुलिस का प्लान तैयार। डबल सवारी पर एक रोजा पाबंदी। 600 से ज्यादा ट्रैफिक अहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। घंटा घर, हुसैना गाही, दौलत गेट चौक ट्रैफिक के लिए बंद। पाक गेट चौक, हरम गेट चौक, चौक शहीदा में ट्रैफिक दाखिला ममनू। शाहीन, बोहड़ गेट और डेरा अड्डा भी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। खानेवाल रोड, बोसन रोड, बिहाड़ी रोड ट्रैफिक के लिए खुला होगा। उधर डीजी खान पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 1,000 से अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे।